मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। दोस्तों, बिहार के जर्जर हालत और राजनीतिक परिदृश्य में बदलते समय को अगर आप गौर से देखें तो सवाल जनता से भी पूछना पड़ेगा कि अपराधीकरण की तरफ बढ़ते हुए इस बिहार में आखिर हो क्या रहा है। 243 विगत विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो 243 सीटों में से 240 पर इलेक्शन वॉच नामक एक संस्था ने कुछ काम किया था और एक बात समझने की कोशिश की थी, जानने की कोशिश की थी कि अपराध से हम कितना मुक्त हो सके हैं। दोस्तों, 136 विधायकों ने अपने हलफनामे में यह लिखा कि वो अपराधी जैसे कई केस को झेल रहे हैं, उनके ऊपर कई ऐसे केस हैं। इसी तरह 36 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध है, 11 ऐसे भी विधायक हैं जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। कहने का मतलब 136 विधायक हमारे बीते विधानसभा में चुनकर अपने दर्शकों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीते विधानसभा में चुनकर संसद में विधानसभा में पहुंचे, लेकिन इन 136 का मतलब यह होता है कि विधानसभा में विधायकों की संख्या के हर दूसरे के पीछे खड़ा तीसरा विधायक अपराधी है। बीते चुनाव में जो टिकटों का आंकड़ा था जिसमें अपराधियों को देने की बात थी, वह कमोबेश इस बार भी देखने को मिल रही है। अभी दो चरणों के चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो चयन करने की प्रक्रिया अपनाई है उसमें कभी एक राजनेता ने यह भी कहा था कि बैड एलिमेंट को हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उसी पार्टी में रमा सिंह जैसे लोग भी शामिल हो गए, उन्होंने अपने पत्नी के लिए टिकट लिया। उसी तरह रेप के आरोप से लगे हुए राजवल्लभ यादव की पत्नी भी चुनाव मैदान में है। तो देखना यह है कि जनता इस सवाल को कैसे इन राजनेताओं से पूछती है कि आने वाले समय में हम कितने अपराध मुक्त हो सकेंगे। अपराध से मुक्त करने के लिए बिहार में नेशन न्यूज की इस मुहिम में आप भी शामिल होइए, आप हमारी आवाज बनिए। हमारी खबर को देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।